हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगी, सेहतमंद होंगी। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ एंड आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, सो प्लीज़ मैं ट्राई करूँगी कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूँ, बट फिर भी मतलब इतनी निकलती है आजकल, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग एंड होप आप समझोगे। और आज day 8 है, मतलब हफ्ता हो गया, अभी स्टिचेस नहीं कटे हैं, बट आज मैं सोच रही हूँ आज किचन में जाया जाए और थोड़ा बहुत काम, मतलब काम तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ, बट आज मैं सोचा शूट कर लेती हूँ और जो भी आज ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड जो भी जैसे मैंने किया वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। सो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, खाली पेट मैंने दवाई ले ली है, उसके बाद मैंने बादाम खा लिया है 2-4 और अभी मैं अपना नारियल पानी पीने वाली हूँ। और मीनवाइल मैं किचन, अभी मैंने घर की डस्टिंग भी कर दी है उठ के एक बार, और अभी मैंने हाउस हेल्प रखी है आंटी, सो वो आती हैं खाना वाना बना के जाती हैं, मेरे खिचड़ी दलिया सब कुछ वो प्रिपेयर करके जाती हैं, सो वो भी दिखाऊंगी मैं। और मैं उनकी हेल्प करने के लिए किचन में सुबह ज़रूर थोड़ा हेल्प करती हूँ, क्योंकि उनको चीज़ें नहीं मिलती, सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टेस्ट भी नहीं पता होता कि कौन कैसे खाना बनाता है, सो वहाँ तो खड़ा रहना पड़ता है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। ये 6 बजे हैं अभी और मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दी है, रूम्स वगैरह एकदम क्लीन हो चुके हैं, बस आके आंटी क्लीनिंग कर देंगी, झाड़ू पोछा कर देंगी और खाना बनाएंगी। उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में एंड वैसे तो आंटी 8-9 दिन पहले से ही मेरे पास लगी हुई हैं, बट उनको वही है कि उनको रोटी सब्जी वो तो बना लेती हैं अच्छे से, लेकिन जैसे पोहा उपमा ऐसा कुछ बनाना है सच थिंग तो वो उनसे नहीं बनता, इसलिए आज मेरा ऐसे था कि थोड़ा सा मैं पोहा ट्राई करूँ। एंड डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि धीरे 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 आपको सारी चीज़ें खानी है और कोई परहेज़ नहीं करना है सच, क्योंकि आप ठीक हुए हो, मतलब आपका ऑर्गन ज़रूर निकला है लेकिन आप ठीक हुए हो, आप उस प्रॉब्लम से निकले हो, एंड जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को ढालोगे वो वैसे ढल जाएगी। बस डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है 2-2.5 महीने तक, वो मना किया है स्ट्रिक्टली, एंड जो भारी चीज़ें हों लाइक राजमा छोले ये सब चीज़ें वो एक टाइम इंटरवल के बाद वो भी शुरू करनी है, लेकिन अभी नहीं, 1-1.5 महीना। सो यहाँ मैंने पोहा बनाने की शुरुआत की एंड आंटी बहुत हेल्प करती हैं, पूरा चॉप वॉप करके दे देती हैं, जस्ट मैंने बस तड़का लगाया खड़े होके, सो काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि वो मेरे पास हैं ड्यूरिंग दिस फेज, और शी इज़ रियली रियली वेरी वेरी हेल्पफुल एंड घर जैसी हैं। पहले वैसे आंटी मेरे पास काम करती थी बट कुकिंग वगैरह नहीं, सो अभी वो सब कुछ कर रही हैं, वो स्पेशली कुकिंग ही करती थी पहले, बट मेरे घर में वो है कि कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ तो इसलिए, बट ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि साथ साथ वो अपने खाने मतलब लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में पोहा बन रहा है। सो आंटी भी यहीं पे ब्रेकफास्ट करती हैं हमारे साथ, तो वो भी एक्साइटेड थी पोहा खाने के लिए, और उसके पहले मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया हुआ था तो वो आ गया था सामान, तो ब्लिंकिट जब से हुआ ना सबसे आसान हो गई ज़िंदगी। और ये पोहा देखो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाया मैंने, अच्छे से सब चीज़ें डाल वाल के, और जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप कमेंट में बताइएगा कि आप पोहा कैसे बनाते हैं, बट सबके अलग अलग रेसिपी है, मुझे पोहा खाना ऐसे पसंद है। यहाँ आंटी कर रही हैं चॉप, देख लो बीमारी में भी इतना अच्छा खाना मिल रहा है। अजी बात देख रहे हो, आज मैं मतलब बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, कितने ऑप्शंस ऑपरेट होने के बाद, ठीक है कोई नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आप इतना ध्यान रख रहे हो मेरा, थैंक्स बनता है एक, है ना। प्रवेश ने कर लिया था अपना नाश्ता और फिर हम लोग अपना नाश्ता लेके बैठे एंड एंड में क्या हो कि मुझे एक अजवाइन की रोटी के साथ भी चाय के साथ लेना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पाइस ज़्यादा हो गया था, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए टमे में, इसलिए मैंने अवॉइड किया, एक स्पून लिया फिर उसके बाद वहीं छोड़ दिया, बट अजवाइन की रोटी के साथ अच्छा लगा। देन बारिश शुरू हो गई, बारिश तो इस बार इतनी नहीं हो रही है गुड़गांव में कि हद कर रखी है बिल्कुल। मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगी, सेहतमंद होंगे, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 6 बजे हैं, अभी उठ चुकी हूँ, आज मेरे स्ट्रिचेस कटने हैं एंड फिर यहाँ मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, चाय ब्रेड
क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे उससे मिलने, तो आज वो जा रहे हैं वापस, तो उनके लिए अभी सुबह सुबह नाश्ता यही बना सकती हूँ यार। अभी ना मतलब 6 भी नहीं बजे पूरे, सुबह सुबह इतना कुछ पॉसिबल होगा इस बार, अगली बार इस बार की पूर्ति कर दूंगी। सो अभी इतना ही है। एंड वेदर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, रात में खूब अच्छी बारिश हुई थी ज़बरदस्त, और 10 बजे मुझे जाना है आज हॉस्पिटल, सो थोड़ी घबराहट है अंदर में। सो यार बट करना है और ऑप्शन नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। एंड टाइम हो गया तो डॉक्टर को दिखाने एक बार, देखते हैं क्या बोलते हैं स्टिचेस के लिए। सो शार तो मैंने ले लिया और शार बार कुछ नहीं हो रहा, मतलब स्पंज से ही करना पड़ता है मेरे को जब तक स्टिचेस नहीं कर देंगे। अभी डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है नहाने के लिए टाकुए में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अभी आंटी आ गए हैं नाश्ता बना रहे हैं, और अभी मैंने मतलब कल रात 11 बजे आया शिकू, उसको बुला लिया एक हफ्ते के लिए, क्योंकि वो उन्होंने मेरी हेल्प कर देता है, वो सुनता भी है, सो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ी मूवमेंट करती हूँ तो मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और काम के बिना रहा नहीं जाता, सोचते कि कोई नहीं कर रहा, अच्छा तो ठीक है तू कर ले, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग होती है। तो अभी शेकू को 2-4 वो सुन लेता है फिर भी। सो वो आया है और वो अपना काम यहीं से करेगा। अभी उसको ब्रेकफास्ट देते हैं और आपको दिखाती हूँ कि आंटी क्या बना रही है आज नाश्ते में। और बारिश होनी शुरू हो गई है, ये देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे शेकू अपना काम कर रहा है और लंच में आंटी बना रही है आलू के पराठे। पराठे उठा दिया आंटी ने मेरा, गर्मा गर्म तैयारी चल रही है। कोई बात नहीं, तो बढ़िया बन रहे हैं। अरे चाय बन रही है अभी लगा दो। आ जाओ जी, मैंने यहाँ शेकू को लगा दिया ब्रेकफास्ट, लाइट ऑन कर देते हैं। बढ़िया है। आंटी ने सबको इतने बढ़िया परांठे खिला दिए हैं और अब आंटी अपना नाश्ता कर रही है और खुद अपने परांठा खा के बताएंगे कि कैसा बना है। सामने से लेंगे आंटी को एक बार, चलो खा के बताओ। अच्छा बना। अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल, जाएंगे दोनों के दोनों, परदेश भी आ गए। और बारिश का हाल किच किच हुई पड़ी है सारे में। ऑपरेशन वाले टाके वाके खुलवाने हम यहाँ आए थे, अपने खुलवा लिए। डॉक्टर ने टाइम तो थोड़ा ही लगाया है ना, 5-10 मिनट में ही। और दवाइयाँ भी अब कम कर दी है, एक वो पेन वाली दी है कि पेन वगैरह ज़्यादा हो टाकों पे, तो तब एक दवाई लेनी है, बाकी कोई दवाइयाँ नहीं लेनी। चलो दर्द से पीछा चढ़ गया, रोज रोज के दर्द की वजह, पर रिकवरी में तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा, क्योंकि सेट होगा। रिकवरी हो गई इसको, प्रवेश करो जल्दी हो रखी है, जल्दी रिकवर हो गए, काम लग जाए। मैं काम पे लगी हुई हूँ भाई, मैं काम में लगी हुई हूँ, कोई कह दे जो मैं काम ना लगी हुई हूँ। हाँ पर इस टाइम तो रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, नहीं आती ना तू रेस्ट, क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं किया। वो सर्दी वर्दी में जैसे चोट के दर्द दुखते नहीं है सर्दियों में, वैसे दर्द होने लग जाता है, कभी भी दर्द होने लग गया। बैक में होएगा इसमें तो, हाँ बैक में होएगा। अच्छे बच्चे कैसे तनु जैसे। अब पहले पुराने गया कर देना कि घी का खाओ, अब आप घी खाओ थोड़ा, चरमा वरमा बना बना के, घी पचने वाला तो निकल गया, घी पचन, घी पाचन तंत्र भाई, घी नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा खा लो, पर थोड़ा बहुत खाओ। डॉक्टर ने कहा सब खा सकते, रिकवरी फास्ट होगी। डीप फ्राइड खाना नहीं खाना बिल्कुल।